जब तक हम परमेश्वर को सेंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे, हम कभी समझ नहीं पाएंगे। जब तक हम आत्मिक आंखों से नहीं समझेंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। आज परमेश्वर चाहते हैं आपका संबंध उसके साथ फिर से कायम हो। अगर नहीं है तो कायम हो जाए, अगर टूट चुका है तो फिर भी कायम हो जाए। शैतान नहीं चाहता आपके संबंध परमेश्वर के साथ कायम हो जाए। वो जोर लगाए, वो जोर लगाएगा पाप के साथ, वो जोर लगाएगा पैसों के साथ, वो जोर लगाएगा पॉलिटिकली, वो जोर लगाएगा किसी वृत्ति के साथ, बलो ताकत से, किसी भी छल से, ताकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कभी कायम ना हो सके। ये मेरी फाइट थी। मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि तू अपने धर्म में वापिस आएगा, तू एक दिन पछताएगा, तुझे वापिस आना होगा। ये फाइट थी कि मैं अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम रखूं या ना रखूं। रिश्तेदार पहुंचते थे और उधर शैतान मेरे पीछे लगा रहता था। दुष्ट आत्मा के अटैक पीछे लगे रहते थे, कभी डिप्रेशन के अटैक पीछे लगे रहते थे, कभी बीमारी पीछे लगी रहती थी, ये सोचकर कि हम इसको हटा दें, इसके कम्युनिकेशन को तोड़ दें, किसी ना किसी बहाने से इसको खत्म कर दें। लेकिन एक बात याद रखो, आपकी ब्लेसिंग इस बात में है।